ना पूछो जमाने से कि मेरी क्या कहानी है, हमारी तो पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिन्हा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस के इस खास सेगमेंट में शान तिरंगा का, जहां पर बात करेंगे उसी तिरंगे की जो भारत की आज शान बना हुआ है। भारत की आजादी के समय एक ऐसा भी वर्ग था जिसने बिना हथियार उठाए ही सत्य और अहिंसा की मार्ग पर भारत की आजादी के समय एक अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज की पीढ़ी या फिर आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि चरखा चलाने से आजादी नहीं मिल गई। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन चरखा चलाने से आजादी ना मिली हो, लेकिन हमारे पूर्वज आत्मनिर्भरता के रास्ते पर इसी चरखे की वजह से जरूर चले गए थे। बात करें खादी की, तो खादी एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। ये जो वाक्य है ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज का दौर चल रहा था और सभी भारतीय अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सामान मिलों के कपड़े पर निर्भर थे, तो उस टाइम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये चरखा लेकर के आए थे और उससे लोगों को कहा था कि स्वावलंबी बने और अपने ही देश पे उत्पादन करें कपड़ों का और खुद के ही आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि हमेशा से चरखा स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक रहा है और हमेशा से ही ये रहेगा। अंग्रेजों के ज़माने के खादी से और अब के खादी में कितना परिवर्तन आ चुका है, और उस समय आज़ादी के समय खादी का क्या रोल था, क्या उस समय उसका आज़ादी के साथ संबंध था, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तिरंगा बन रहा है, हर नाप के आपको तिरंगा है और उसके साथ ही जम करके यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही है ज़ोरों शोरों से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में तिरंगा रखा हुआ है जो कि प्योर खादी से ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्टर जी खड़े हैं और केसरिया रंग में बहुत सारे थोक में यहाँ पर कपड़ा भी है। और तो सर, एक दिन में मतलब अगर खादी की तिरंगे की बात करें तो कितना बन जाता होगा? हमारे यहाँ महिलाएं प्रोडक्शन में आती हैं, वो लोग करती हैं प्रोडक्शन, हम लोग मास्टर हैं, यहाँ ही लोग का देख रेख में ये लोग काम करती है। कटिंग छटिंग का जो भी काम है वो भी हम लोग लेडीज लोग के ही महिलाएँ से ही करवाते हैं। रही सवाल कि एक महिला एक दिन में कितना पीस बना सकती है, तो वो उनके ऊपर निर्भर करती है कि वो कितना सक सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 बन ही जाता है। 3 से 4 तो एक दिन में एक महिला के द्वारा बना लिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि एक महिलाओं के भी सशक्तिकरण यहाँ पर दिख रही है। और उसके साथ ही अगर बात करें कि कितने आकार का यहाँ पर तिरंगा भी बनाया जा रहा है, क्योंकि एक छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा तिरंगा बनाया जाता है, तो यहाँ पर अभी कितने आकारों में तिरंगा बनाया जा रहा है? फर्स्ट बार जो हुआ था घर घर तिरंगा के लिए, तो उसमें हमारे यहाँ बना था 1x1.5 का, 2x3 का और 3x4.5 का। लेकिन अभी अगले बार के बनिस्बत इस बार हमारे यहाँ ऑर्डर अच्छी खासी आई है, जिसे अब हम लोग 1x1.5 का छोड़ दिया, 2x3 का बना रहे हैं, 3x4.5 का बना रहे हैं, 4x6 का बना रहे हैं। ये यानी फुल्ली एकदम तौर पे, हाँ, फुल फ्लेज पे ये काम हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगा बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत लगाई जा रही है। एक गौरव का भी क्षण होता है क्योंकि ये देश के तिरंगे की बात है और यहाँ पर महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ काम भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केसरिया रंग को अभी पूरे अच्छे से इस्त्री किया जा रहा है ताकि ये जा करके अपना वो सिलाई हो सके इसके और झंडे का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं कि कब से आप काम कर रही हैं? मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ। 2.5 साल में आपको क्या लगा कि खादी के कपड़ों में सिलाई बुनाई ये सारे में कितना परिवर्तन आया? अच्छी खासी। मैं पहले ट्रेनिंग से पहले यहाँ आई थी, फिर मैं ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद फिर मैं थोड़ा दिन स्टिचिंग की, उसके बाद फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग ये कटिंग में रखा गया, फिर मैं कटिंग में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी
केसरिया रंग के कपड़े हैं, इसको पहले यहाँ से काटा जाता है, यहाँ दो महिलाएं मिलकर के इसको काटेंगी, उसके बाद फिर ये सिलाई के लिए इधर आपको पहुँचाया जाता है, तो जहाँ पर महिलाएं इसे सिलती हैं। तो अगर बात करें कि ये तो हो गया ये सिलने की बात, लेकिन अगर सूता की बात करें या फिर कैसे ये आता है, तो सर अगर बात करें कि ये जो जितने आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसके रॉ जितने सामान हैं वो कहाँ से आते हैं? सब बाहर मार्केट से आता है। जैसे कहा जाता है कि पूरे धागा से वो निकलता है, बनता है, तो ये इसका क्या पूरा प्रोसेस है बताइए? तो ये खादी में ही बनता है जी। पूरा अलग अलग जगह से कपड़ा बन के आता है, कलर होके आता है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे सारी चीज़ें हैं वो पूरे पूरी खादी से ही आपको बनी हुई है और सारी हैंडमेड ही है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं हर नाप के आपको तिरंगा बनाते हुए दिख जाएंगी। और अभी जैसा कि तिरंगा का ये जो है कि भारत में दो बार तिरंगे को अधिक तवज्जो दिया जाता है, तो एक ये गौरव का क्षण इन महिलाओं के लिए भी है कि जो पूरे देश भर में लहराए जाते हैं तिरंगे, वो तिरंगा यहाँ से बन करके जाता है और पूरे देश भर में इसे लहराया जाता है। तो बात करें कि ये जो सिलाई की बात कर रही हैं, बात करें तो कितना इसको मैम एक बार सिलने में टाइम जाता है? एक दिन में हम दो सिल पाते हैं। एक दिन में दो से तीन, क्योंकि देखिए तीन पट्टियां होती है और इन तीन पट्टियों को सिल करके उसको पूरा एक तिरंगा का रूप दिया जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि ये अभी निर्माण में ही है, अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है। तो कैसे ये पूरा निर्माण कार्य होता है ये थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। ये पट्टी को ना पहले जोड़ा जाता है, सिला जाता है, फिर इसमें पट्टी लगाया जाता है ये, और इसके बाद पट्टी लगाने के बाद हम लोग इसमें चिड़ियाँ लगाते हैं, ये चिड़ियाँ हैं, और इसके बाद फिर हम लोग इसमें चिड़ियाँ लगाने के बाद पट्टी लगाएंगे, तब लास्ट में हम लोग ये गिल्ली और ये रस्सी लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाता है ये तिरंगा जी। तो जैसे ये इसको हम लोग ये जैसे हो गया, आप तिरंगा देख सकते हैं, और इसको ये यहाँ से रस्सी जो खींची जाती है, ये रस्सी खींचने के लिए बनाई जा रही है, और ये जो आपका ये देख सकते हैं इसमें हम 2x3 बना रहे हैं ना, तो ये 36 ये रहता है 36 सेंटीमीटर और ये 24 रहेगा। देख सकते हैं आप कि तिरंगा अभी बनने के कागार पर है और इसी तरह से हर नाप के तिरंगा को बनाया जाता है। तो खादी का ना वो जो कहा ही जाता है कि हाथों से ही जो बनाई जाए उसे ही खादी के कहते हैं, और यहाँ पर सारी महिलाएं मिलकर के अपने देश की शान तिरंगा को बना रही हैं। तो देश के सेना कहते हैं ना कि सिर्फ वर्दियों में नहीं होते हैं, वो कई अवतारों में होते हैं, तो उसी का जीता जागता यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर आप महिलाएं युवतियाँ सबको देख सकते हैं जो घर बार संभालने के साथ साथ देश के तिरंगे को पूरे निष्ठा के साथ बना रही हैं। तो इसका कुछ रहता है कि या नाप कुछ क्या इसकी विशेषता रहती है? जो झंडा का जो साइज उसी हिसाब से इसका नाप रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि झंडे में जो हम उसको खींचते हैं ध्वजारोहण के लिए, झंडे की पट्टी के लिए ये खास करके बनाई जाती है, जिसको बाद में झंडे के साथ सिल दिया जाता है। झंडे के साथ इसको जॉइंट किया जाता है और इसमें डोरी डाला जाता है। तो इनके द्वारा आप देख सकते हैं एक झंडा बनाया गया है। ये झंडा का डेसी अगर नहीं रहेगा तो उससे फैल रहेगा कैसे? जी बिल्कुल। तो ये काम बिल्कुल, तो झंडा में फैलाने के लिए जब तक उसके साइड की पट्टियाँ नहीं डाले, झंडा तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन झंडे की पट्टियाँ जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो झंडा फहरा नहीं पाएंगे। तो पट्टियों बनाने का एक अलग से सारी महिलाएं के लिए अलग अलग तरह से उनको काम दिया गया, जिसमें उनको एक पट्टियों को एक साथ लगाने का सिलने का काम दिया गया, तो उसी के साथ किसी को पट्टियाँ सिलने का काम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कब से मैम ये आप कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल में आपको कितना मतलब लगा कि परिवर्तन हुआ है इस झंडा बनाने के काम में? बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे, जितना दिन से कर रहे उतना ज़्यादा हम लोग को अनुभव हो रहा है सिलाई का इसका। ये जो आप लोगों के द्वारा झंडा बनाई जा रही है, ये एक गौरव का क्षण है जो कि पूरे देश भर में इसको लहराया जाएगा, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का सिला हुआ झंडा पूरे देश में लहराया जाएगा।
तो देख सकते हैं महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है कि इनके द्वारा जो बनाई जा रही झंडे हैं वो पूरे देश भर में जा कर के लहराएगा। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी झंडे को निर्माण किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि हर एक बारीकी का ध्यान रखा जाता है। तो मैम, क्या कुछ बारीकी इस पर ध्यान रखी जाती है झंडे बनाने के दौरान कि कोई गलती ना हो, क्योंकि बात देश की शान का है। इस झंडे को बनाने के लिए बहुत फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है, ज़रा सा भी फॉल्ट मतलब नहीं होना चाहिए इस झंडे में। क्या क्या मतलब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किन परेशानी ये परेशानी ना आए? कुछ कुछ होता है कि कभी सूता निकल जाता है, तो कभी कहीं पर थोड़ा बहुत धागा इधर उधर भसका हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ों से आप लोग कैसे निपटारा करती हैं? वो होना ही नहीं चाहिए, एकदम हम लोग ध्यान रखते हुए बनाना होता है। एक दिन में ये तीन ही झंडे बन पाते हैं। तो देख सकते हैं कि मतलब बारीकियों का ध्यान रखते हुए, इसीलिए कि बारीकी में हल्की सी भी चूक ना हो, इसके लिए महिलाएं एक दिन में सिर्फ तीन ही झंडा बनाती हैं। लेकिन हाँ, उसमें क्योंकि देश की शान की बात है तो इसमें हल्की सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए महिलाएं पूरी ध्यान रखती हैं कि इसमें कोई भी चूक ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिलाई का काम चल रहा है, जहाँ पर इसको लेकर के मुझे लगता है कि ये फ्रेमिंग किया जा रहा है इसको ना। हाँ, तो इसको एक एक करके सबको एक अलग अलग जैसा मैंने देखा कि काम बांटा हुआ है, तो इसमें आपका क्या काम है? हम लोग का सिलाई करने का काम है। ये तो क्या करते हैं आप लोग? इसको पैटर्न रहता है, इसको हम लोग इससे आयरन से बैठा के और यहाँ बैठाते हैं। ये मुझे लगता है कि बाकियों से थोड़ा बड़ा झंडा दिख रहा है, तो ये आप कितने सेंटीमीटर का बना रही हैं? ये 3x4.5 का है झंडा। मुझे स्कूल और कॉलेजेस में आप जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े झंडे फहराए जाते हैं, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर अभी आप देख रहे होंगे कि हर घर पर झंडा फहराते हैं लोग, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर घर झंडा का जो पीएम मोदी का एक आह्वान था, एक जो जन आंदोलन था, वो भी ये लोग पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो झंडा बनाने का काम है वो पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, और महिलाएं भी एक तरफ जो झंडा में इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े हैं, जो थोक के कपड़े हैं, उसको एक तरफ से इस्त्री किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ महिलाएं उसे सिलाई करी, क्योंकि हर वर्ग में ये काम बांट दिया गया है कि अगर हर एक लोगों को उनके हिसाब से काम दे दिया जाए तो गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप झंडा, एक तो पहले झंडा बनने से पहले उसे इस्त्री करके दिया जा रहा था, और इसके बाद मुझे लगता है कि ये झंडा बनने के बाद इसे अब इसकी पैकिंग की जा रही है। हाँ, पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग के लिए आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जो चक्र है उसको ऊपर में रख करके, ये ध्यान में रखते हुए इसे पैकिंग किया जाता है, और उसके साथ ही किस तरह से इसे फोल्ड करना है और कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या कुछ आप लोग ध्यान में रख करके इसके पूरे पैकिंग करते हैं? उसका पहले देख लेते हैं कौन साइज है, फिर उसके उसी हिसाब से चक्र को बीच में रख कर करते हैं। तो ये हुई पैकिंग की बात। इधर आपने देखा कि एक तरफ से उधर आपको सिलाई से पहले इस्त्री किया जा रहा था कपड़ों का, और अब पैकिंग के लिए ध्यान में रखा जाता है कि जो चक्र है वो एकदम बीचों बीच इस तरह से रहे, और झंडा की जो शान है वो बराबर ये आपको मेंटेन रहे। और उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस्त्री ही हो रहा है, तो ये सिलाई पूरी हो गई उसके बाद ये इस्त्री की जा रही है? जी मैम, पूरा सिलाई फिनिशिंग हो जाता है, उसके बाद हम फिनिशिंग करके देते हैं। तो ये जो एक पूरा फिनिशिंग का जो आपका जाता है, तो एक दिन में कितने लगभग पैक हो जाते होंगे? हो जाता है 50। पचास के आसपास, क्योंकि महिलाएं भी काफ़ी संख्या में काम कर रही हैं, तो अगर एक महिला के हिसाब से भी आप देखिए कि तीन झंडे बन जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हर तिरंगा को इस्त्री करके वापस से पैक कर दिया जाता है और देश भर में ये भेजा जाता है, ताकि जो हमारे देश भर में आप तिरंगा लहराते हुए देख रहे होंगे तो उसको ये किया जाता है। क्योंकि जो कानून की भी बात करें तो भारत में सिर्फ खादी के ही तिरंगे मान्य होते हैं, तो इसलिए खादी के जब इतनी तवज्जो दी गई है खादी के तिरंगे को, तो महिलाएं भी पूरी निष्ठा के साथ इस खादी के तिरंगे को बनाती हुई आपको दिख सकती हैं।
भारत का जो वर्तमान तिरंगा है वो भी काफ़ी चरणों में गुजरने के बाद अब जा करके इस तिरंगे को ये जो इस पर पूर्ण विराम लगा। बात करें 22 जुलाई 1947 में इस तिरंगे पर ये विराम लगा था। इसकी जो अभिकल्पना थी वो पिंगली वैंकैया ने की थी और जो सबसे पहले भारत में जो तिरंगा डिज़ाइन किया गया था तो वो जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी निवेदिता, उनके द्वारा किया गया था। उसमें बस केसरिया और हरे रंग और ऊपर में आपको कमलों के ये कुछ दिए हुए थे, तो उसके बाद उसको बदलते बदलते और फिर जा करके ये केसरिया रंग आया, उसके बाद फिर ये सफ़ेद रंग आया, फिर हरियाली आई और चरखा हटा करके ये अशोक चक्र लगाया गया। भारतीय होने के नाते स्वतंत्रता दिवस हो तो हर एक भारतीय अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए अपने घर पर तिरंगा जरूर लहराता है, लेकिन इससे भी जुड़े कुछ नियम होते हैं जिसे आपको अपनी जहन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत का तिरंगा है वो एक ऐसी चीज़ है जो भारत की शान से जुड़ी हुई है, तो इसे लेकर के कुछ कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं जो कि आप अगर इसे अपने घर पर लहराते हैं तो इसको शाम के बाद इसे ना लहराएं और इसे पूरी इज्जत के साथ वापस से अपने घर पर वापस रख लें कि घर पर जो लहराई हुई तिरंगा है वो अगर गलती से भी फट जाती या फिर कुछ हो जाता है उसे तो उसे भी वापस हटा लें। अपने घर पर इस तरह से लहरा करके नहीं रखें, क्योंकि जो तिरंगा है वो देश की शान से जुड़ा हुआ है और अगर उस पर दाग आती है तो कहीं ना कहीं हमारी भी ऊपर वो चीज़ें दाग आती है। तो इस स्वतंत्रता दिवस अपनी देशभक्ति दिखाइए, लेकिन गलती से भी जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन मत करिए और ये जो हमारा देश की शान से जुड़ा तिरंगा है इसकी पूरी खास ख्याल रखिए और अपने घर पर ज़रूर फहराइए, लेकिन याद रखिए कि इसको पूरे मान सम्मान के साथ अपने घरों पर फहराना है और उसी के साथ इसे वापस शाम होते ही रख देना है। तो इस तिरंगे की शान के खास एपिसोड में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रुति सिन्हा कैमरामैन नवल के साथ समाचार प्लस झारखंड बिहार।